फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे हम टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपना टोटल। तो सिंपली हम करेंगे इस टोटल वाले सेल पर क्लिक और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, जो भी आपकी रेंज हो आप सिंपली उस रेंज को कर लीजिएगा सिलेक्ट और फिर से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल आ चुका है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे 1, 2, 3, 4, 5 में से हमारे 400 मार्क्स आए। अब फाइंड करेंगे हम इसका मिनिमम। तो इक्वल टू MIN टैब प्रेस, फिर से अपनी सेम रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, फिर से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जो आपने रेंज सेलेक्ट किया है उस रेंज में देखिए कि सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है। तो आप देखेंगे इंग्लिश में 85, हिंदी में 79, मैथ में 89, साइंस में 68 और एसटी में 79। तो सबसे कम मार्क्स है हमारे 68 साइंस में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम में 68 हमारा आ चुका है। अब फाइंड करेंगे हम मैक्सिमम मार्क्स। तो इक्वल टू MAX टैब प्रेस, फिर से कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, फिर से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए कि आपके रेंज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। तो आप देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके मैथ सब्जेक्ट में है। अब बारी हमारी एवरेज की। तो इक्वल टू AVERAGE और यहां से टैप प्रेस, फिर से कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट और यहां से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपके एवरेज मार्क्स आ गए यहां पे 80। एक और बार कर लेते हैं हम फॉर्मूला का यूज। तो यहां से करेंगे फिर से टोटल इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से अपनी रेंज को करेंगे सिलेक्ट, यहां से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा सम आ चुका है। अब फिर से मिनिमम इक्वल टू MIN टैब प्रेस, यहां से अपनी रेंज को करेंगे सिलेक्ट, यहां से ब्रैकेट क्लोज, फिर से एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे मिनिमम हमारा अलग है और यहां पे हमारा अलग है। इक्वल टू MAX टैब प्रेस और यहां पे करेंगे फिर से रेंज सिलेक्ट, यहां से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस रेंज में हमारा मैक्सिमम मार्क्स है 84। अब बारी हमारे एवरेज की। तो इक्वल टू AVERA टैब प्रेस, फिर से कर लेंगे अपनी रेंज को सिलेक्ट, यहां से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा एवरेज है 69। अगर आपको एवरेज चेक करना है कि आपका सही है कि नहीं, तो सिंपली क्या करिएगा, इक्वल टू टोटल को डिवाइड मार दिएगा। आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 69 आ रहा है और यहाँ पे हमारा एवरेज भी 69 है, मतलब हमारा ये एवरेज का फॉर्मूला सही है। अब इसे पकड़ के यहां से कर देंगे ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सम हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक मिनिमम आ जाएंगे। ऐसे करके हम दोस्तों सब में कर देंगे ड्रॉप डाउन फेल सीरीज। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।